नमस्कार, मैं प्रिया। आज 18 अगस्त चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,06,000 के पार। बिहार में कोविड 19 के बेलगाम बढ़ रहे मामलों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रखी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,525 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों की संख्या 1,06,618 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 41, अरवल में 16, औरंगाबाद में 60, बांका में 19, बेगूसराय में 131, भागलपुर में 78, भोजपुर में 38, बक्सर में 67, दरभंगा में 57, पूर्वी चंपारण में 137, गया में 40, गोपालगंज में 68, जमुई में 25, जहानाबाद में 54, कैमूर में 22, कटिहार में 98, खगड़िया में 23, किशनगंज में 37, लखीसराय में 29, मधेपुरा में 38, मधुबनी में 203, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 143, नालंदा में 91, नवादा में 9, पटना में 303, पूर्णिया में 129, रोहतास में 46, सहरसा में 87, समस्तीपुर में 30, सारण में 66, शेखपुरा में 28, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 80, सिवान में 68, सुपौल में 36, वैशाली में 30, पश्चिम चंपारण में 52। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 76,706 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 542 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। 16 अगस्त को खत्म हुए लॉकडाउन की अवधि को बिहार सरकार ने अब 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जिसकी जानकारी बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से साझा कर दी गई है, जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों को इस बार थोड़ी और छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही गृह विभाग ने केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए गाइडलाइन का पालन बिहार में करवाने की अनुमति दे दी है। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे कोविड 19 के मामलों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। इस दौरान पहले की तरह ही लगाए गए रोक का पालन किया जाएगा। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, वहीं कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे। बाजार खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं शॉपिंग मॉल और धर्म स्थल को नहीं खोला जाएगा। रेस्टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा होगी। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में सार्वजनिक निगम के 50% कर्मी के साथ काम करेगी। बैंक IT संबंधित सेवाएं पहले की तरह छूट रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार के कार्यालय में भी 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। व्यवसायिकों और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। शैक्षणिक प्रशिक्षण अनुसंधान और कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बिहार विधानसभा में नए सचिव की प्रतिनियुक्ति के लिए जारी की गई अधिसूचना। बिहार सरकार ने विधानसभा में नए सचिव की तैनाती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत अपना बयान दे दिया है। दरभंगा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह को बिहार विधानसभा के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद राजकुमार सिंह को पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनको विधानसभा सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया जाएगा। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। कोविड 19 के जारी माहौल के बीच आज आयोजित होने वाले नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना जताई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक को लेकर विभिन्न विभागों के अफसरों को पत्र लिखकर इसकी सूचना दे दी गई है। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को कार्यालय में उपस्थित करने का आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद आज 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक का आयोजन करवाया जाएगा। कोविड 19 के लक्षण में हो रहे बदलाव पर बिहार में होगा शोध। कोविड 19 अब बिल्कुल बहरूपिया हो चुका है, हर दिन इसके नए लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं बिहार में कोविड 19 के बदलते लक्षणों पर केंद्र सरकार शोध करा रही है। शोध के लिए राज्य में सर्वे का काम भी शुरू किया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने 6 जिलों में 60 गांव में नेशनल सेरा सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले के 400-400 पॉजिटिव लोगों को सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। इसके साथ ही बिहार में इसके बदलते लक्षण और फिर प्रभाव पर शोध के लिए दूरगामी परिणाम संभव है। इसके तहत राज्य में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बेगूसराय और बक्सर, अरवल और पूर्णिया को चुना गया है। सभी जिलों में 10-10 गांव में नेशनल सीरो सर्वे कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ जवानों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताई गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के 2 जवानों के जान गंवाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। फिलहाल पूरा बिहार इसको लेकर आहत में है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में अपनी जान गंवाने वाले खुर्शीद खान रोहतास और लवकुश शर्मा जहानाबाद के रहने वाले हैं। ड्यूटी पर तैनाती के दौरान इन दोनों की जान चली गई थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दोनों जवान का पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का ऐलान किया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद श्याम रजक ने थामा राजद का हाथ। पार्टी से तुरंत निकाले जाने के बाद उद्योग मंत्री श्याम रजक ने राजद का हाथ थाम लिया है। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अफसरों की सुनते हैं, पार्टी के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि खुद को बेवकूफ महसूस करते हैं। उन्होंने आगे कहा, देखिए क्या होता है, मैंने 2 अप्रैल को दलित को हो रही परेशानी के खिलाफ विधानसभा के वेल में आकर विरोध किया था। तभी से मैं उन लोगों के खटक रहा था कि वो ये सोच रहे थे कि दलित की बात करने वाला कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। मैंने नीतीश कुमार के साथ रहकर 10 साल बर्बाद किया।
हैं। आप सामाजिक न्याय की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जदयू ने बीते दिन श्याम रजक के इस्तीफे को देने से पहले उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया था। वहीं पार्टी की सदस्यता दिलवाने वाले तेजस्वी यादव ने भी कहा कि श्याम जी अपने पुराने और असली घर में आ गए हैं, इसकी हम सबको बहुत ही खुशी है। नीट और जेईई परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट में दिखाई हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षा के आयोजन पर सहमति जता दी है। कोर्ट ने परीक्षा के आयोजन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए, एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद होने दिया जाए। याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर में प्रस्तावित होने वाले इन दोनों परीक्षाओं को हटाने की मांग की गई थी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नीरज पांडे की। नीरज पांडे का जन्म बिहार के आरा जिले में 17 दिसंबर 1973 को हुआ था। नीरज पांडे मुख्य रूप से फिल्म डायरेक्टर, लेखक और प्रोड्यूसर हैं। नीरज पांडे ने कई फिल्मों में काम किया है और कई बार उन्हें सराहा भी किया है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जिसने पर्दे पर बखूबी काम किया था। नीरज पांडे उसके को प्रोड्यूसर रह चुके हैं। वहीं साल 2017 में आई आउच फिल्म में उन्हें फिल्म फेयर शॉर्ट फिल्म अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। वहीं नीरज पांडे ने मार्च 2020 में अपनी पहली वेब सीरीज स्पेशल उप्स को हॉटस्टार पर रिलीज किया है, जिसे जनता ने काफी ज्यादा सराहना की और पसंद भी किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने तय किया अपना एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को रखते हुए अपने एजेंडे को तय कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि भाजपा दो मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिसके तहत अक्टूबर नवंबर के महीने में राज्य में चुनाव होना है। और फिर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल की माने तो पार्टी नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत के मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जिससे बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। पार्टी से श्याम रजक को निकाले जाने पर लोजपा ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी से निकाले जाने के तुरंत बाद श्याम रजक ने राजद का हाथ थाम लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की उपस्थिति में उन्हें सदस्यता दिलवा दी गई है। वहीं अब इस मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर पर लिखा गया है, श्याम रजक जी का एनडीए से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ समय से लोजपा लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आई है। कई मुद्दों पर विपक्षी दल जैसे ही पार्टी का भी स्टैंड रहा है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक सुर में नजर आए हैं। राजद के तीन विधायक ने थामा जदयू का हाथ। अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने से परेशान होकर राजद ने बीते दिन तीन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसके बाद यह तीनों विधायक जदयू का दामन थाम चुके हैं। जदयू राजद के तीन मौजूदा विधायकों को अपना पार्टी में स्वागत करेगा, जिसके बाद हालांकि रविवार को ही राजद ने इन तीनों विधायकों को अपने दल से निकाल दिया था, जो तीन विधायक सोमवार को जदयू का हिस्सा बन चुके हैं। आपको बता दें, जिन विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसमें मुजफ्फरपुर के गायघाट के विधायक महेश्वर यादव, वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायिका प्रेमा चौधरी और पूर्व सांसद अरशद अली फातिमा के बेटे फराज फातिमा का नाम शामिल है। पप्पू यादव ने चुनाव जीतने के बाद सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाने का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में जा प्रमुख पप्पू यादव ने पूर्णिया से अपने निजी आवास पर बाढ़ और कोविड-19 जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इसके साथ ही उन्होंने चुनावी वादे के तहत यह भी कहा है कि अगर वो चुनाव में जीत जाते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर सीमांचल में रमोजी जैसे फिल्म सिटी को वो बनवाएंगे। जा प्रमुख पप्पू यादव ने कहा है कि राज्य में फिल्म सिटी बनने से लोगों की प्रतिभा सामने आएगी और पलायन रुकेगा। मास्क नहीं पहनने पर वसूले गए 43 लाख रुपए। बिहार में बेलगाम बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए कई लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, और यही कारण है कि हर दिन प्रशासन के हाथ से मास्क नहीं पहनने वाले चढ़ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार महज 17 दिनों में करीब 87,000 से ज्यादा लोगों को बिना मास्क पहने पकड़ा गया है और उनसे वसूली की गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में मास्क नहीं पहनने वालों से 43,60,850 रुपए वसूले जा चुके हैं। 48 घंटे में 4,997 नर्सों की नियुक्ति के साथ हुई तैनाती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी सक्रियता के साथ काम कर रहा है, और यही कारण है कि बीते 48 घंटे में 4,997 नर्सों की नियुक्ति कर तैनाती कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के 48 घंटों के अंदर सभी चयनित ए ग्रेड नर्सों की नियुक्ति कर दी गई है, और साथ ही सभी की पदस्थापना भी अस्पतालों में कर दी गई है। साथ ही विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सभी को 24 अगस्त तक अपने पदस्थापना वाले अस्पतालों को ज्वाइन कर लेना है।
बिहार में 17 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला। बिहार में 17 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिसकी जानकारी गृह विभाग की तरफ से साझा की गई है, जिसमें खगड़िया के एसपी मीनू कुमारी, हर किशोर राय, प्रमोद कुमार, मनीष कुमार, धूर्त से अली सावला, राम दीपक वर्णवाल, सुधीर कुमार, वैशाली गौरव मंगला, डॉक्टर इनामुल हक, राजीव रंजन, सुशील कुमार, हृदय कांत, अमितेश कुमार, किरण कुमार समेत कई अफसरों के नाम शामिल है। नदियों का जलस्तर घटने से उत्तर बिहार को मिली थोड़ी राहत। बाढ़ की चपेट में आए उत्तर बिहार के अधिकतम जिलों में अब राहत मिलने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद उत्तर बिहार में लोगों को बाढ़ से राहत मिल रही है। बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला और अधवारा के जलस्तर में काफी गिरावट के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में फैला बाढ़ का पानी वापस होने लगा है। मुजफ्फरपुर में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती नदी के जलस्तर में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तीनों नदी के जलस्तर में गिरावट के बाद औरैया, कटरा, गायघाट, सकरा, मुश्री, सरैया और साहेबगंज इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बिहार में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की संभावना बढ़ने के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही बात। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के विकास की बात की है, जिसके तहत केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ देश भर के पर्यावरण मंत्रियों की हुई वर्चुअल बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना विश्वविद्यालय परिसर में राज्य सरकार की तरफ से 30 करोड़ की लागत में स्थापित होने जा रहे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के लिए केंद्र से मदद की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि बिहार भागलपुर गोपालगंज में डॉल्फिन प्रोजेक्ट को विस्तार किया जाएगा। सूबे में कमजोर पड़ा मॉनसून, अब बढ़ेगी गर्मी। बिहार में मॉनसून का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शुरुआत में अच्छी बारिश हुई, लेकिन अब मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फिलहाल पटना समेत अन्य जिलों में बारिश के आसार नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। अब बारिश 19 अगस्त के बाद हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण क्षेत्र में बारिश में कमी आई है, जिसके बाद एक बार फिर से राजधानी पटना समेत कई जिलों में गर्मी के आसार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को भी कई जिलों में धूप के साथ वातावरण में उमस महसूस की गई है। एसएसबी ट्रेनिंग कैंप के पास्ट आउट हुए जवान अब इंडो नेपाल बॉर्डर पर होंगे तैनात। इंडो नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी के लिए एसएसबी के 355 जवान पास आउट हो चुके हैं, जिनमें बिहार के 90, राजस्थान के 118, उत्तर प्रदेश के 63, हरियाणा के 33, उत्तराखंड के 18, हिमाचल प्रदेश के 16, झारखंड के 6, जम्मू कश्मीर के 4, मध्य प्रदेश के 2 और असम, दिल्ली, महाराष्ट्र, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के 1-1 प्रशिक्षु शामिल है। गुरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल जिले में प्रशिक्षित सभी जवानों को तकनीकी जानकारी देने के साथ सीमा पर तैनात किया जाएगा। आसनपुर एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड के लिए सोमवार को प्रशिक्षण केंद्र में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी करवाया गया था। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया अनुरोध। तेजस्वी यादव ने कोविड-19 के बेकाबू बढ़ चुके मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन कोविड-19 जांच को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मदद की गुहार लगाई है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बिहार में कोविड-19 टेस्टिंग के नाम पर धांधली हो रही है, इसे रोकने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में बिहार को प्रथम वरीयता पर रखकर बिहार की स्थिति को रेखांकित किया है। वहीं प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो केंद्रीय टीम को फाइंडिंग्स को लेकर सख्त कदम उठाए और यहां जांच में हो रही धांधलियों को रुकवाए। फिल्म अभिनेता और निर्देशक निशिकांत कामत और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने दुनिया को कहा अलविदा। दृश्यम फिल्म का निर्देशन करने वाले निशिकांत कामत ने 50 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक निशिकांत कामत ने बीते दिन अपनी आखिरी सांस ली है, जिसके बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। इसके साथ ही भारत के जाने माने सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया है। 90 साल की उम्र में पंडित जसराज ने अमेरिका के न्यूजर्सी में अंतिम सांस ली है, जिसके बाद देश में शोक की लहर है। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद गूगल ने फैंस के लिए किया कुछ खास। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबर के बाद गूगल ने उनके प्रशंसकों के लिए कुछ खास किया है। उन 40 साल के धोनी के लिए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी लगातार देखने में आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले धोनी दुनिया के सबसे सफल कप्तानों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जिसके तहत गूगल इंडिया ने ट्वीट किया है कि हमने खोजने की कोशिश की, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं होने वाला है एमएस धोनी, जिस पर उनके प्रशंसक के तरह तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिस पर कई लोगों ने लिखा है गूगल आपने हमारा दिन बना दिया। माइक्रोमैक्स मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के साथ जल्द करने वाली है वापसी। माइक्रोमैक्स भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड है और अब कंपनी मजबूती के साथ वापसी करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार चाइनीज स्मार्टफोन के भारतीय बाजार में कम हो रही लोकप्रियता को देखते हुए माइक्रोमैक्स एक बार फिर से बाजार में दमदार वापसी करने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर कंपनी ने पहले ही संकेत दे दिए हैं। कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो के साथ एक पोस्ट भी शेयर किया था, जिसमें कंपनी ने स्पष्ट तौर पर खुलासा किया था कि वो जल्द ही भारत में नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। इसके साथ ही कंपनी के को फाउंडर राहुल शर्मा ने भी ट्वीट में लिखा था आइए अब एक नई शुरुआत करें।
पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर कुशाल झवेरी ने शेयर की सुशांत सिंह राजपूत के साथ की चैट। सुशांत के साथ काम कर चुके पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर कुशाल झवेरी ने बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ की गई चैट को शेयर किया है, जिसके तहत सुशांत ने उन्हें 1 जून को मैसेज किया था और हालचाल पूछा था। सुशांत ने लिखा था, कैसा है भाई, उम्मीद करता हूँ कि तू हेल्दी होगा और रॉकिंग होगा, मिस यू। जिस पर सुशांत सिंह पर कुशाल ने उनके अगले दिन रिप्लाई किया और लिखा, भाई तुम्हारा मैसेज आया, मैं बहुत खुश हूँ, स्वास्थ्य में तो मैं ठीक हूँ लेकिन हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तू भी ठीक होगा भाई। जिसके बाद सुशांत ने लिखा, खुद पर काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने बढ़िया थे वो दिन। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूज़र ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूज़र का कमेंट हमें अच्छा लगा उनके नाम है छोटी रॉय, आदित्य राज, अनिल कुमार, रवि कुमार, प्रिंस कुमार, विकास कुमार, सरोज कुमार यादव, संजीत कुमार, विनोद कुमार, कुंदन राज, रुपेश राजा, संजीव कुमार, राकेश कुमार, मनीष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद भारतीय टीम में विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत को जगह देनी चाहिए या केएल राहुल को? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।